हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर एमडीएस। सो लास्ट वीडियो में जो है लाइट हमारी चली गई थी बीच में, सो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि लाइट का पता नहीं होता है, अचानक से जो है बीच में लाइट कभी भी जा सकती है। सो अभी हम हमारी वीडियो जो है कंटिन्यू करते हैं। सो आज की हमारी वीडियो रहेगी इंग्लिश का, जो है हम मॉक सॉल्यूशन करने वाले हैं, और इससे पहले मैथ्स और रीजनिंग के जो भी हमने डे वन और डे टू के सॉल्यूशन किए हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। सो वहाँ से आप मैथ और रीजनिंग के मॉक्स भी रिवाइज करते, आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ्स वगैरह के लिए, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा। और जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज रहती हैं वो आप हमें ज़रूर मैसेज करें, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इंस्टा पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो एक बार बता दीजिए क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर है, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन नाउ। हम इंग्लिश की जो है वो मॉक टेस्ट हमारा कंटिन्यू करने वाले हैं अभी। जुड़ जाएं जल्दी से सभी, और हम स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से हमारा जो है सेशन। ये आपका मेंस सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन, और डेली आपके लिए, आप मेंस की एग्ज़ाम तक मैं आपको डेली मॉक सॉल्यूशन कराऊंगा, और हम कोशिश करूंगा कि मैं आपके स्कोर को जितना इम्प्रूव हो पाए, 100% जो है हम टारगेट करने की कोशिश हमारी रहेगी। जल्दी से जुड़ जाएं सभी और शेयर भी कर दें। एक बार मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तब तक आप जल्दी से जुड़ जाएं और अपनी पेन नोटबुक लेके बैठ जाएं। साथ में जो है न्यू वर्ड्स और एडियम्स, जो भी न्यू वो कह पाती है, वो आप साथ के साथ नोट करते चलें।
तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विदाउट एनी डिले फर्दर। तो आई होप आप जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो चलिए करते हैं हमारा सेशन स्टार्ट। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है हमारा बी आउट फॉर द काउंट, इसका था हमारा स्लीपिंग डीपली। मतलब होता है कि जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, बी आउट फॉर द काउंट, स्लीपिंग डीपली। तो ये हमारा न्यू इडियम था। सो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाद है हमारा द बुक विल नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाई हर, इसको आपको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका था हमारा शी विल नॉट हैव रिसीव्ड द बुक, क्योंकि ये हमारा शी विल नॉट हैव, विल नॉट हैव के साथ भी लग जाएगा जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा मिनी सेड टू मी आई हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर माई मदर, तो इसमें हमारा हो जाएगा मिनी टोल्ड मी दैट शी हैड बॉट दैट फ्लैट फॉर हर। इसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा और टेड टू दे टोल्ड और टेड को माज की जगह दैट लग जाएगा। इसके बाद है हमारा करेक्ट स्पेल स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें हमारे फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड थर्ड भी रॉन्ग है। ऑप्शन जो है हमारा बाईसेंटिनियल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है जो हर 200 साल में एक बार होता है, हर 200 साल में रिपीट होता है कोई भी इवेंट या घटना, उसको हम बाईसेंटिनियल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई डिड गो बैक टू टू द शॉप इमिडिएटली आई थिंक आई लेफ्ट माई मोबाइल देयर, आई हैव गो बैक टू शॉप आई थिंक आई लेफ्ट माई मोबाइल। तो इसमें जो वो अपना जो है मोबाइल दुकान पे ही भूल गई है, तो आई हैव टू बैक, उसे जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू द चर्च बाई स्कूटर, इसमें आपको एरर बताना है कौन से पार्ट में एरर है। सो ये आपका होगा बी पार्ट, आई एम गोइंग टू चर्च। यहाँ पे दा नहीं आएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर चर्च नहीं है, हम उसको पहले से नहीं जानते हैं, हमारे लिए नई जगह है, तो इसमें दा नहीं आएगा। आई एम टू चर्च बाई स्कूटर। नेक्स्ट होगा रिटर्न स्टेटमेंट गिवन है, गिवन ऑन ओथ। सो किसी ओथ या शपथ के दौरान जो रिटर्न स्टेटमेंट दी जाती है वो तो कहते हैं एफिडेविट। रिटर्न स्टेटमेंट गिवन ऑन ओथ इज कॉल्ड एफिडेविट। नेक्स्ट है हमारा द एंटोनिम ऑफ एक्यूमेन। सो एक्यूमेन का आपको इसमें एंटोनिम बताना है। सो इसमें क्रेजीनेस नहीं होगा, एक्यूमेन होता क्या है, एक्यूमेन होता है आपका अवेयरनेस, या फिर आप कह सकते हैं कि इस चीज के बारे में आपको जो है अच्छी नॉलेज हो, या फिर एक क्विक क्विक इनटेकिंग जजमेंट्स और डिसीजंस। सो उसको हम एक्यूमेन कहते हैं। तो इसका आई थिंक लेथार्जिक हो जाएगा, स्टूपिडिटी आएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा स्टूपिडिटी। तो इसको देखते हैं हम सॉल्यूशन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जस्ट थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली। एक्यूमेन होता है आपका एबिलिटी टू जज और टेक डिसीजंस क्विकली।
स्टूपिडिटी, द स्टेट ऑफ बींग अनवाइज। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी मीनिंग्स भी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूपिडिटी, जो कि इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्यूमेन का। एक्यूमेन का मतलब बताई दिया है आपको। नेक्स्ट है हमारा, इज एल्डर देन ऑल अदर एम्प्लॉयज इन दिस ऑफिस। सो इसमें आपको किस पार्ट में एरर है? ही इज एल्डर टू, आई थिंक यहाँ पे पार्ट में एरर आएगा। ही इज एल्डर आएगा यहाँ पे, टू ऑल अदर एम्प्लॉयज इन दिस ऑफिस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टू आए एल्डर की जगह, सॉरी देन की जगह एल्डर टू। तो आप यहाँ पे जो है की पॉइंट्स रीड आउट कर सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन अगर आपको रह जाता है तो। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा, और आप प्लीज शेयर और लाइक जरूर करते रहे कर दें वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हम मेंस एग्जाम तक डेली हम आपको मॉक्स सॉल्यूशन करवाते रहेंगे। अ हैवी फाइन विल बी इन्फ्लिक्टेड विद देम इफ दे डू नॉट पे द टैक्सेस इन टाइम। सो इसमें आपको करेक्ट सब्स्टिट्यूट बताना है, अंडरलाइन स्टेटमेंट है जो इसकी, इसके स्थान पे हम कौन सा सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। अ हैवी फाइन विल बी इन्फ्लिक्टेड विद देम, आई थिंक इसमें हैवी फाइन विल बी इन्फ्लिक्टेड ऑन देम, फाइन जो है उनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा अगर टैक्स टाइम पे पे नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, ओमिक्रॉन वायरस इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग टू बी मोर डैश टू वैक्सीन्स देन इट्स प्रेडिसेसर्स। ओमिक्रॉन वायरस जो प्रोवाइडिंग टू बी मोर, बताइए यहाँ पे क्या आएगा, रेजिस्टेंट, मोर फर्म, या मोर सर्टेन, या मोर पेशेंट टू वैक्सीन्स देन इट्स प्रेडिसेसर्स। आई थिंक यहाँ पे और रेजिस्टेंट, आई थिंक क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस है उसकी यहाँ पे इसमें जो वैक्सीन है उसमें कंपैरिजन दिया गया है। सो उसका रेजिस्टेंट जो है वो ज्यादा बताया गया है। ओमिक्रॉन वायरस इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग टू बी मोर रेजिस्टेंट टू वैक्सीन देन इट्स प्रेडिसेसर्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रेजिस्टेंट का मतलब होता है गिविंग और कैपेबल और एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस, एग्जिबिटिंग रेजिस्टेंस। सिंपल आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि रेजिस्टेंट का मतलब गिविंग रेजिस्टेंस, फॉर्म का मतलब होता है सॉलिड, फिक्स्ड, डिटरमाइंड, और सर्टेन का मतलब होता है आपका सेटल्ड या फिक्स्ड, सर्टेन, निश्चित भी आपको इसको कह सकते हैं। सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, आप अपने आंसर्स कमेंट करते जाइए और सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलें। इसके अलावा जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें पीडीएफ्स के लिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। सो हम आपके लिए उसी टॉपिक पे जो है वीडियोस तैयार करेंगे। द कमिटी रिपोर्टेड दैट देर हैड बीन एन अलार्मिंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑल सोर्स ऑफ व्हीकल्स। सो
इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो रिडायरेक्ट टू तो इनडायरेक्ट में आपको देखिए, वो इसमें आपको पता है द कमिटी रिपोर्टेड। सो यहाँ पे आपको आ जाएगा द कमिटी सेड इन्वर्टेड कोमा देर हैड बीन, और हैड बीन है तो आपका ये क्या आ जाएगा यहाँ पे देर हैज बीन, क्योंकि तो ये यहाँ पे इसमें है पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा इधर। आई थिंक देर हैज बीन एन अलार्मिंग इंक्रीज इन नंबर ऑफ शॉर्ट ऑफ पीपल। आई थिंक बिल्कुल हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। द कमिटी सेड देर हैज बीन एन अलार्मिंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ व्हीकल्स। इसके अलावा या आप इंफॉर्मेशन रीड आउट कर सकते हैं, हैड बीन हैज बीन में चेंज होगा और ऐसे ही जब रिवर्स केस में देखें डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हमारा हैज बीन हैड बीन में चेंज हो जाएगा। या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप यहाँ रीड आउट कर सकते हैं, आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। बोन होमी का सिनोनिम बताना है आपको। आई थिंक का फर्स्ट हो जाएगा बैड नेचर्ड, नहीं सिनोनिम होगा आपका फ्रेंडशिप। तो आपको ये याद रखना है बोन होमी, इसका सिनोनिम आपको फ्रेंडशिप हो जाएगा। इसमें देखिए बोन होमी इज फ्रेंडशिप, गुड नेचर्ड इजी फ्रेंडलीनेस, बैड नेचर्ड अनप्लेजेंट नेचर, एनिमी और डिसएग्री आपको पता ही होगा। सो ये आप नोट डाउन करते जाइए जो भी न्यू वोकैब हमें मिल रही है। नेक्स्ट है समीर गिव वेरी लेस इंफॉर्मेशन टू मुनीर अबाउट द प्रोग्रेस द वर्क। सो इसमें आपको कौन सा है अंडरलाइन पर सब्स्टिट्यूट करता है। समीर गिव वेरी लेस इंफॉर्मेशन, सो इसमें आपका आई थिंक समीर गिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगा, वेरी लेस इन्फॉर्मेशन गिव गिव होगा यहाँ पे। सुनील गिव वेरी लेस इन्फॉर्मेशन ये भी हो सकता है, गिव वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन। तो आप बताइए इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन। समीर गिव गिव्स तो नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गिव्स आना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा रिजेक्ट। तो आई थिंक ऑप्शन सी हम मार्क करते हैं। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, समीर गिव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन टू मुनीर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। तो इसमें आप देखिए लेस जो है इंडिकेट करता है स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ समथिंग यू कैन नॉट काउंट, अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है, अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए लेस, और जो लिटल है ये भी स्मॉल के लिए, लेकिन डिग्री ऑफ थिंग यू कैन नॉट काउंट ये भी अनकाउंटेबल के लिए। लिटल रेफर्स टू नॉन काउंटेबल थिंग्स एंड इज यूज विद द सिंगुलर फॉर्म, नॉन काउंटेबल थिंग्स के लिए, और लेस भी हमारा स्मॉल क्वांटिटी के लिए, दोनों ही लेस और लिटल अनकाउंटेबल के लिए यूज होते हैं।
तो इसमें हमारा हो जाएगा समीर गिव वेरी लिटल इंफॉर्मेशन टू मुनीर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, या आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज करना है एग्जाम में या आप लास्ट में कर सकते हैं। पहले जो क्वेश्चन आपको जल्दी आता है या फिर जो वन लाइनर है पहले आप वही करें, और जो PQRS या फिर पैसेज है ये आप लास्ट में अटेम्प्ट करें ताकि आपका एग्जाम जो है वो स्किप ना हो। ये देखते हैं। ऑन द वन हैंड, सो ऑन द अदर, ये तो आपका बाद में आएगा क्योंकि ऑन द अदर हैंड मतलब ये इससे पहले भी कुछ हुआ है इंफॉर्मेशन। ऑन द अदर हैंड ये देखिए यहाँ पे, ऑन द वन हैंड देर इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी बिफोर द लॉ और मोर जनरली इक्वेलिटी, ऑन द अदर देर इज द प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। तो डी के बाद तो ए आएगा, ये तो कन्फर्म है, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया। फर्स्ट, सेकंड हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। डेमोक्रेसी रेस्ट्स ऑन अ टेंशन बिटवीन टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स। ऑन द वन हैंड आई थिंक ये हमारा बी के बाद डी आएगा और डी के बाद ए एंड सी, हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई थिंक ये आप क्लियर होगा, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सीक्वेंस बी डी ए एंड सी इज द करेक्ट सीक्वेंस। डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन ए टेंशन बिटवीन टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स, और वो जो दो डिफरेंट प्रिंसिपल है कौन से हैं। वन, देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वालिटी, और अदर देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। वाइल द फर्स्ट गिव्स प्रायोरिटी टू रूल्स, द सेकेंड गिव्स इंपॉर्टेंस टू पर्सन्स। ये आपकी करेंट करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगी। इसके बाद है आपका अंडरलाइन वर्ड की जगह बेस्ट सब्स्टिट्यूट आपको चूज करना है। यू विल नेवर बिकम ए गुड रीडर अंटिल रीडिंग रीडिंग आर डन विद ए पर्पस। आई थिंक अंटिल रीडिंग इज डन, यू विल नेवर बिकम ए गुड रीडर अंटिल अनलेस रीडिंग इज डन विद ए पर्पस। ये आपका हो जाएगा इसमें। अब जब तक अच्छे जो है रीडर नहीं बन पाएंगे, जब तक आप रीडिंग किसी पर्पज़ के लिए नहीं करते हैं, मतलब आपको जो रीडिंग करनी होती है वो बहुत ही समझ के करनी होती है कोई पर्पज़ के साथ, कि जो भी आप रीड कर रहे हैं वो एज ए आप एज ए स्टोरी या फिर ऐसे आपको समझ में आ रहा है तो ही आपको उसका मीनिंग जो है क्लियर हो पाएगा और तभी आपकी जो रीडिंग है वो इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये इसमें आपको बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा, यू मस्ट ईदर जम्प ओवर बोर्ड इन टू द सी और बी स्लेन विद योर ओन स्वॉर्ड। सो इसमें आपको किस पार्ट में एरर है ये फाइंड आउट करना है। यू मस्ट ईदर जम्प ओवर बोर्ड इन टू द सी और बी स्लेन विद योर ओन स्वॉर्ड। आई थिंक इसमें सी पार्ट में हो जाएगा हमारा। सी पार्ट में योर ओन स्वॉर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा योर ओन स्वॉर्ड आई थिंक। सो योर इज द करेक्ट फॉर्म, योर्स की जगह दिस इज योर पेन या फिर दिस पेन इज योर्स, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पहले योर्स लगाया है विद योर्स ओन, ये नहीं आएगा यहाँ पे। अगर पोजेशन वो शो करता है तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी होता, तो सी पार्ट इज द आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा टू मेक अप फॉर, इसमें आपको करेक्ट मीनिंग इसमें चूज करना है इस फ्रेज का। टू मेक अप फॉर,
प्रिपेयर और अरेंज समथिंग टू रिप्लेस समथिंग दैट इज लॉस्ट और डैमेज्ड, टू हेल्प टू मेक समथिंग पॉसिबल, टू प्रेज समवन टू गेट समथिंग फॉर वन सेल्फ। आई थिंक टू अरेंज इसमें नहीं, ये हमारा गलत है। टू रिप्लेस समथिंग दैट इज लॉस्ट और डैमेज्ड, टू मेकअप फॉर का मतलब है कि कोई चीज डैमेज्ड है उसको तैयार करना फिर से, मेकअप। सो आप इसको नोट डाउन कर लें, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। टू मेकअप फॉर मीन्स टू यूज एज ए रिप्लेसमेंट फॉर समथिंग मिसिंग लॉस्ट और लैकिंग। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा टेंडर का, आपको सिनोनिम बताना है, बताइए कमेंट में जल्दी से। टेंडर का सिनोनिम स्टर्डी, रोबस्ट, ड्यूरेबल या डेलिकेट। टेंडर, ड्यूरेबल, स्टर्डी, रोबस्ट। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, डेलिकेट हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हमारा। टेंडर होता है नाजुक, दैट इज इजीली डैमेज्ड, जो कि आसानी से डैमेज हो जाए उसको हम टेंडर कहते हैं। और डेलिकेट का मतलब होता है टेंडर, डेलिकेट इसका सिनानिम है, इसका भी मतलब जो है नाजुक होता है, दैट इज फ्रेजाइल और इजीली डैमेज्ड। इसके अलावा स्टर्डी का मतलब होता है हमारा मजबूत, दैट इज स्ट्रॉन्ग। और रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। और स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ या फिर विगर, स्ट्रेंथ में जो है वो विगर। और ड्यूरेबल का तो आपको पता ही होगा, टिकाऊ, दैट इज लॉन्ग, लॉन्गेबल, दैट लिव लॉन्ग, दैट इज ड्यूरेबल। सो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डेलिकेट, टेंडर का सिनोनिम। नेक्स्ट है हमारा, अरेंज करिए इनको जल्दी से। सो इन इंडिया अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस करियर ऑप्शंस अवेलेबल टू स्टूडेंट्स पासिंग आउट ऑफ स्कूल आर लिमिटेड। द कल्चर ऑफ गोइंग टू ए करियर एडवाइजर इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। कैरियर गाइडेंस इज ए काउंसलिंग प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे कैरियर गाइडेंस के बारे में बता रखा है कि कैरियर गाइडेंस क्या होता है। सो सी हमारा बी से पहले ही आएगा। और देखते हैं, फर्स्ट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा इसमें, लास्ट के तीन में से होगा हमारा आंसर। यहाँ पे लिखा है इट इज ए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द नॉलेज। सो किसकी बात यहाँ पे हो रही है? अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट सर्वे 93% ऑफ स्टूडेंट्स वर अवेयर ऑफ लेस देन 10 कैरियर ऑप्शंस लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ फाइनेंस, आईटी एक्सेट्रा। इट इज ए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द नॉलेज, स्किल्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस टू आइडेंटिफाई करियर ऑप्शंस अवेलेबल। सो आई थिंक सी के बाद हमारा ई होगा, और क्योंकि सी पार्ट में हमें करियर गाइडेंस की जो है डेफिनेशन बताई है, और इसके बाद इसने बोला है कि इट इज ए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द नॉलेज, स्किल्स, इंफॉर्मेशन, और इसके बाद है ये हमारा इंडिया में कैसे ये चीज़ काम करती है। इंडिया में अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस करियर ऑप्शंस अवेलेबल टू स्टूडेंट्स पासिंग आउट इज लिमिटेड। सो ऐसे जो है सीक्वेंस है ये आपकी, और उसके बाद बी और लास्ट में डी आपका हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट है हमारा, इसमें बताइए आप,
करेक्ट स्पेल्ट वर्ड इनोसेंट, ये गलत है हमारा, इनोसेंट ए नहीं आएगा यहाँ पे। अनब्लेमिश्ड, ब्लेम ब्लेमिश्ड अनब्लेमिश्ड, ये देखते हैं। पैकेंट, डीजेनरेट, डीजेनरेटिव हमारा गलत है। आई थिंक अनब्लेमिश्ड ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। पैकेंट देखते हैं इनका क्या मतलब होता है। पैकेंट का मतलब होता है कोई दोष या पाप किया हो, हैविंग कमिटेड ए फॉल्ट और सिन, किसी ने कोई दोष या पाप किया हो उसको हम कहते हैं पैकेंट, एडजेक्टिव है। इसके बाद इनोसेंट, किसी विशेष अपराध का दोषी नहीं। इनोसेंट का मतलब होता है दैट इज नॉट गिल्टी, या फिर इनोसेंट आप कह सकते हैं, लॉयल इनोसेंट। अनब्लेमिश्ड, ये स्पेलिंग स्पेलिंग आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ई आएगा इनोसेंट में, और पैकेंट जो है वो करेक्ट है। अनब्लेमिश्ड में आपका यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए की जगह पे ई आएगा। अनब्लेमिश्ड का मतलब होता है हैज नो फॉल्ट्स एंड इज नॉट स्पॉइल्ड इन एनी वे, जो कि किसी तरह से दोषी नहीं है, अनब्लेमिश्ड। और डिजेनरेट का मतलब होता है आपका टू बिकम वर्स इन क्वालिटी, टू बिकम वर्स इन क्वालिटी, डिजेनरेट बदतर हो जाना। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। इसके बाद है हमारा द अटर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सर्टेन टॉपिक्स इज टेलिंग। तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है, इसकी जगह पे हम कौन सा वर्ड जो है यूज कर सकते हैं। द अटर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बताइए कमेंट में। आई थिंक इसमें कंप्लीट हमारा सही हो जाएगा, कंप्लीट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सर्टेन टॉपिक्स। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप इनके भी, ये तो आसान है काफी वोकैब। तो ये आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा हिज फादर हैड ऑलरेडी बॉट द ट्रेन टिकट्स। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करिए, इसका पैसिव क्या होगा। हिज फादर हैड ऑलरेडी बॉट द ट्रेन टिकट्स, द ट्रेन टिकट्स हैव ऑलरेडी, हैव हैड है तो यहाँ पे हैड ऑलरेडी बीन, आई थिंक ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और हैड हैड के साथ हैड बीन लग जाएगा। बस टेंस आपका एक्टिव पैसिव में टेंस जो है चेंज होता नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब ऐड होती है। सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा अरेंज करिए पी क्यू आर एस सीक्वेंस में, ए बी सी डी। ये देखिए बाई कॉन्ट्रास्ट इन म्यूजिकल थिएटर एंड एक्टर्स ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज प्राइमरी एंड द म्यूजिक प्लेज ए लेसर रोल। ये कह रहा है कि जो एक्टर की ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है वो प्राइमरी होती है, और जो म्यूजिक है वो लेस रोल प्ले करता है थिएटर में। सो इसके बाद ओपेरा रेफर्स टू ए ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म ओरिजिनेटिंग इन यूरोप इन विच द इमोशनल कंटेंट इन विच सॉरी इमोशनल कंटेंट इज कन्वेड टू द ऑडियंस एज मच थ्रू म्यूजिक बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एज इट इज थ्रू द लिरिक्स। ये कहना चाह रहा है कि ओपेरा क्या होता है, इसे ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म जो कि यूरोप में जिसका ओरिजिन हुआ है और जिसमें इमोशनल कंटेंट कन्वे किया जाता है म्यूजिक के थ्रू और अपनी वॉइस और इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जो इसमें म्यूजिशियन होता है वो अपनी जो है इमोशंस कन्वे करता है ऑडियंस को थ्रू म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट्स।
ड्रामा इन ओपेरा इज प्रेजेंटेड यूजिंग द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ थिएटर सच एज सीनरी कॉस्ट्यूम्स एंड एक्टिंग. However, the words of the opera or libretto are sung rather than spoken. बताइए यहाँ पे आपका, देखिए डी तो नहीं होगा डी से, क्योंकि हाउएवर इससे पहले कुछ और भी ऐड करना है. सो आई थिंक बी से हमारा स्टार्ट हो सकता है कि ओपेरा की डेफिनेशन से. तो ये आप बताइए, हम रिजेक्ट करते हैं. यहाँ पे देखिए, द ड्रामा इन ओपेरा इज प्रेजेंटेड. सो सी में ओपेरा का जिक्र किया गया है, लेकिन उससे पहले ओपेरा की डेफिनेशन बी में दी है, तो बी पहले आएगा सी से. ये ऑप्शन बी और सी हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, और बी पहले आएगा, तो आई थिंक ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डिड सविता डू हर जॉब परफेक्टली? तो इसमें आपको पैसिव बताना है. सो यहाँ पे डिड पास्ट है, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा. वॉज सविता वॉज सविता डन हर जॉब परफेक्टली? सो वॉज तो नहीं आएगा यहाँ पे, डिड पास्ट है, तो आई थिंक यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा. वॉज हर जॉब डन बाय, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्योंकि डिड सविता डू हर जॉब है, तो यहाँ पे वॉज हर जॉब डन बाय सविता परफेक्टली, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा वो तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा. सो इसमें वॉज हर जॉब डन बाय सविता परफेक्टली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो आप इसमें जो है बहुत ध्यान से करें. इसमें देखिए, एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करेंगे, तो डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव फॉर्म होगा. हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे पहले आ जाएगी, वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. सो ये आपको ध्यान रखना है. इसमें डिड अगर एक्टिव में दिया है, तो पैसिव में वॉज वर्ब आएगा ऑब्जेक्ट से पहले, और थर्ड फॉर्म बाई के साथ यूज होगी. अच्छा, हमारा वी एडमिट स्टूडेंट्स विद डैश एकेडमिक बैकग्राउंड्स लाइक लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज एंड बिजनेस एंड कॉमर्स. वी एडमिट स्टूडेंट्स, डाइवर्स बैकग्राउंड्स, एकेडमिक बैकग्राउंड्स, और डाइवर्स का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे शोइंग ए ग्रेट डील ऑफ वैरायटी, मतलब ज्यादा वैरायटी को शो करने के लिए डाइवर्स का जो है यूज होता है. डाइवर्स का मतलब होता है शोइंग ए ग्रेट डील ऑफ वैरायटी. सो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइवर्स. वी एडमिट स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड्स, मतलब लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, बिजनेस एंड कॉमर्स, इन इन सब फील्ड में जो है, फील्ड वाले एकेडमिक बैकग्राउंड्स को जो है वो छात्रों को एडमिट करने की बात यहाँ पे की गई है. सो वी एडमिट स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड्स. डाइवर्स का मतलब आपने देख लिया होगा यहाँ पे, शोइंग ग्रेट डील ऑफ वेराइटी. बाकी इजी है, सिंपल, सेम, सिमिलर. इसके अलावा है, दे सेड टू द मैनेजर व्हाई डू यू नॉट वर्क एफिशिएंटली. सो करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बताइए इसकी, दे सेड टू द मैनेजर. सो यहाँ पे मैनेजर से आस्क वो करेंगे, क्वेश्चन मार्क भी दिया है. दे आस्क्ड द मैनेजर व्हाई डू यू नॉट वर्क एफिशिएंटली, व्हाई दे आस्क्ड मैनेजर व्हाई
ही डिड नॉट वर्क, डिड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, यहाँ पे टू नहीं आएगा, ये फर्स्ट रिजेक्ट और सेकंड भी रिजेक्ट, डज नहीं आएगा, ही डिड नॉट वर्क एफिशिएंटली, ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा टेंस जो है चेंज होगा, और आपको पता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में नरेशन में जो है टेंस चेंज होता है। पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज कॉल्ड, पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, सो ये आई थिंक हमारा कॉस्मोपॉलिटिशियन पॉलिटन, जो कि अपने देश को जो है वो एज ए वर्ल्ड मानता है, उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ए पर्सन फेमिलियर विद एंड एट एज टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। पेट्रियट, अ पर्सन हु विगरसली सपोर्ट्स देयर कंट्री एंड इज प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट अगेंस्ट एनिमीज और डिक्टेटर्स। पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, नेशनलिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु स्ट्रॉन्गली आइडेंटिफाइज विद देयर ओन नेशन। सो नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्र राष्ट्रीय, और मेट्रोपॉलिटन रिलेटिंग टू और डेनोटिंग ए मेट्रोपोली और लार्ज सिटी, जो कि एक लार्ज सिटी को शहर को शो करता है उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन। सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, ये हमारा क्लोज टेस्ट है। इसके बाद आफ्टर द हुंगा टोंगा हुंगा हपाई वोल्केनो, ये वोल्केनो का नाम है, इरप्टेड ऑन 15 जनवरी, अ डिवास्टेटिंग सुनामी इट, क्योंकि सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, इरप्टेड पास्ट में चल रहा है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, हिट टोंगा ए पैसिफिक आइलैंड, इस वोल्केनो ने पैसिफिक आइलैंड को जो हिट किया 15 जनवरी को। कम्युनिकेशंस वर डैश बिकॉज, कम्युनिकेशंस वर बिकॉज देर वॉज ओनली वन अंडर सी केबल, कम्युनिकेशन जो है वो डैमेज हम कह सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशंस इंजर तो नहीं हो सकती, पॉल्यूट भी नहीं होंगी, हर्ट भी नहीं होंगी, डैमेज हो सकती हैं, और कम्युनिकेशंस का यहाँ पे मतलब है डैमेज का, कि जो तो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हुआ है। सो कम्युनिकेशन जो है वो डैमेज वर डैमेज बिकॉज देर वॉज ओनली वन अंडर सी केबल डैश कनेक्टेड दैट कनेक्टेड टोंगा टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मीन वाइल सेवरल कंट्रीज, मीन वाइल सेवरल कंट्रीज ड्रो शिप्स एंड फ्लाइट्स टू द कंट्री सेंट, मीन वाइल सेवरल कंट्रीज सेंट देयर शिप्स एंड फ्लाइट्स टू द कंट्री, क्योंकि ये जो सिचुएशन हुई वोल्केनो के टाइम पे, तो अदर कंट्रीज ने क्या किया, अपनी शिप्स और फ्लाइट्स यहाँ पे सेंड करी भेजी। हंड्रेड्स ऑफ वॉलेंटियर्स स्पेंट डेज, हंड्रेड्स ऑफ वॉलेंटियर्स स्पेंट डेज क्लियरिंग अवे ऐश बाय हैंड। सो क्लियरिंग अवे मतलब उसको हटाते हुए अपने जो है वो, हंड्रेड ऑफ वॉलेंटियर स्पेंट डेज क्लियरिंग अवे ऐश, उस ऐश को जो कि वोल्केनो से क्रिएट हुई थी उसको हटाने में जो है उन्होंने अपना अपने दिन लगाए, बाई हैंड एट द एयरपोर्ट्स रनवे सो दैट द एमरजेंसी प्लेन्स कुड लैंड। सो ये आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पैसेज हमारा स्टार्ट हो गया है यहाँ पे।
सो पैसेज में हमेशा पहले क्वेश्चंस रीड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। सो पैसेज रीड करके आपको बताना है इनमें से कौन सा जो आपका इनकरेक्ट है, ये हम लास्ट में करेंगे। इसके इससे पहले व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, ये भी हम लास्ट में करेंगे। व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, ये भी ऐसा ही है। पैसेज से रिलेटेड कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर पैसेज का थीम, ये क्वेश्चंस आप पैसेज रीड करने के बाद ही कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पूछा है डायरेक्ट पैसेज से, तो वो क्वेश्चंस आप इसमें पहले अटेम्प्ट करें। व्हाट इज द सनसेट क्लॉज इन द पैसेज, ये आप हम रीड करते हैं। द इश्यू ऑफ रिजर्विंग प्राइवेट सेक्टर जॉब्स फॉर पीपल डोमिसाइल्ड विद इन द सेम स्टेट मे फेस इट्स फर्स्ट जुडिशियल टेस्ट सून, ये कह रहा है कि जो लोग सेम स्टेट, जो कि सेम स्टेट से का डोमिसाइल है जिनका, और उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब रिजर्व का जो इशू आ रहा है। सो मैनी फेस इट्स फर्स्ट जुडिशियल टेस्ट सून, सो उनका जो है जुडिशियल टेस्ट होना है। द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट टू डिसाइड विद इन 4 वीक्स द वैलिडिटी ऑफ द हरियाणा लॉ मैंडेटिंग 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से पूछा है टू डिसाइड विद इन 4 वीक्स, कि वो 4 ही हफ्ते में जो है डिसाइड करे द वैलिडिटी ऑफ हरियाणा लॉ मैंडेटिंग 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, कि 75% जो है रिजर्वेशन वो लोकल कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर जॉब में। दैट पे अप टू 30,000 ए मंथ, और जिसमें 30,000 पर मंथ जो है सैलरी होने वाली है। इवन दो द अपेक्स कोर्ट सेट असाइड एन एंटरिम स्टे ऑर्डर ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट, इसमें क्या कहता है कि इवन दो द अपेक्स कोर्ट सेट असाइड एन इंटरिम स्टे ऑर्डर, उस पे ऑर्डर पे जो है वो स्टे लगाई है ग्रांट बाय द हाई कोर्ट, एंड इट वाज ओनली डूइंग सो बिकॉज द स्टे वाज ग्रांटेड विदाउट असाइनिंग रीजंस। सो ये आप रीड कर सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग इसको रीड कर लेता हूँ। इट इज ए सेटल्ड प्रिंसिपल दैट लेजिस्लेशन कैनॉट स्टे अनलेस देर इज ए प्रिलिमिनरी फाइंडिंग दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और सफर्स फ्रॉम एनी ग्लेयरिंग इनलीगलिटी। देर आर क्वाइट अ फ्यू इशूज दैट अराइज वैन द स्टेट इंट्रोड्यूसेज ए कोटा इन द प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली इफ इट इज बेस्ड ऑन ए डोमिसाइल नॉम। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस सच लॉज, वाइल द रूलिंग डी एम के इन तमिलनाडु हैज प्रोमिस्ड हैड प्रोमिस्ड 75% रिजर्वेशन इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो फॉर लास्ट ईयर असेंबली पोल्स। गिवन द ब्लीक एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द बैकड्रॉप ऑफ द रिपोर्टेड लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इट इज नो सरप्राइज दैट द लीडरशिप इन एवरी स्टेट सीक्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स यूथ। In some states, employers may find it cheaper to use the services of those from a faraway state, while in others there may be an acute shortage of labor within the local population. The first hurdle that a law such as the Haryana State Employment of Local Candidates Act will face is the constitutional bar on discrimination on the basis of place of birth or residence. ये बता रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट जो है वो मुसीबत जो फेस की जाएगी हरियाणा स्टेट के एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, वो क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस जो वहाँ के लोग हैं। इवन दो द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब ए रेजिडेंशियल क्राइटेरियन फॉर एम्प्लॉयमेंट टू पब्लिक पोस्ट्स, इट इज डाउटफुल वेदर सच ए मेजर कैन बी एक्सटेंडेड टू द प्राइवेट सेक्टर। द हरियाणा केस कवर्स कंपनीज सोसाइटीज ट्रस्ट पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स, द इंडस्ट्री मे फील एग्रीव्ड दैट
द रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट में एडवर्सली अफेक्ट द हायरिंग ऑफ टैलेंट फ्रॉम अदर आउटसाइड हरियाणा। काफी लेंथी ये पैसेज है, देखिए आपका ऐसा ही पैसेज आएगा मेंस में। सो आप पैसेज को बहुत जल्दी से रीड करें। और सनसेट क्लॉज का यहाँ पे देखिए, द एक्ट विल सीज टू ऑपरेट इन 10 ईयर्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आपको जो डायरेक्ट पैसेज में मिल जाते हैं वो आप पहले अटेम्प्ट करें। ये आपका नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया है पैराग्राफ, उससे पहले कि हम करते हैं ये हमने कर लिया है 36। देखिए करेक्ट अकॉर्डिंग टू द हरियाणा केस कवर्स कंपनी सोसाइटी ट्रस्ट पार्टनर फर्म, ये हमारा सही है। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड एग्रीगेट सिचुएशन आर नॉट बिहाइंड द लार्ज स्केल माइग्रेशन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द रियल इशू एड्रेस इज द वाइड पैरिटीज बिटवीन अर्बन एंड रूरल। सो आपका हो जाएगा इसमें रैपिड अर्बनाइजेशन। ये देखिए यहाँ पे रैपिड अर्बनाइजेशन एंड द एग्रेरियन सिचुएशन इज बिहाइंड लार्ज स्केल माइग्रेशन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। द रियल इशू टू एड्रेस इज द वाइड पैरिटीज बिटवीन, पैरिटीज का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, या जो हम कह सकते हैं हाँ भाई डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंसेस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। द रियल इशू टू एड्रेस इज द वाइड डिस्पैरिटीज, देखिए यहाँ पे डिस्पैरिटीज है यहाँ पे आपका, और यहाँ पे पैरिटीज है, तो ऑप्शन सी तो आपका इसमें नहीं होगा, ए एंड बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। सॉरी ए ही करेक्ट होगा, बी भी नहीं होगा यहाँ पे, देखते हैं क्यों। अच्छा यहाँ पे आप सेकेंड में और नोट लिखा है लेकिन यहाँ पे नोट नहीं है। देखिए रैपिड अर्बनाइजेशन एंड द एग्रेरियन सिचुएशन इज बिहाइंड लार्ज स्केल माइग्रेशन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसने आर नोट लिखा है, तो हमारा ये नहीं होगा इसमें, ओनली ए करेक्ट होगा। ठीक है, ओनली हमारा ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी हमें मिल गया है आसानी से, ये भी हमारा हो गया है। इसके अलावा वो थे, ये भी हमारा हो गया है, ये भी हो गया है, नहीं ये हुआ नहीं है, ये हमें करना है। हाँ ये हमारा हो गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाँ ये बिल्कुल सही है हमारा, क्योंकि इसमें दोनों ही सही हैं। ये भी हमने पढ़ा है 30,000 पर मंथ उनकी सैलरी रहने वाली है, और तमिलनाडु में 57% इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो, ये भी हमने पढ़ा है। देखिए यहाँ पे कहाँ गया कहाँ गया, ये 75 तमिलनाडु हैड प्रोमिस्ड इलेक्शन मैनिफेस्टो, तमिलनाडु ने कितना किया है, 57 किया है इसने यहाँ पे। 75 क्यों कर दिया है, 57 इंस्टेड ऑफ 75, ये इनकरेक्ट इसने पूछा है, सॉरी इनकरेक्ट पूछा है, तो दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगी, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो ये देखिए लोकल कैंडिडेट्स के लिए 30,000 है, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, लोकल कैंडिडेट इन गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं प्राइवेट सेक्टर आएगा यहाँ पे, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है यहाँ पे। सो काफी इंटरेस्टिंग ये पैसेज था, ऐसा ही आएगा आपका मेंस में। हमने कर लिया है। सो इसके बाद नेक्स्ट पैसेज हमारा स्टार्ट होता है, व्हाट वाज द आइंस्टाइन्स इमोशनल स्टेट व्हेन ही हर्ड अबाउट द एटॉमिक बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। सो उनका जो इमोशनल स्टेटमेंट क्या था जब उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब केस के बारे में सुना। सो डिप्रेसिव एंड पेंसिव, ये फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, डिप्रेसिव एंड पेंसिव मूड वन इन इवनिंग। सो नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्हाट वाज आइंस्टाइन्स इंटेंशन व्हेन ही ड्रू
प्रेसिडेंट रूजवेल्ट्स अटेंशन टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्टिव पावर्स ऑफ एन एटॉमिक बम। सो आइंस्टाइन की जो इंटेंशन है वो क्या थी जब उन्होंने रूजवेल्ट जो कि प्रेसिडेंट हैं उनको बताया इस बारे में, वो बताइए। टू हेल्प अमेरिका विन द वॉर अगेंस्ट जर्मनी, टू स्केयर हिटलर एंड टू पुट एन एंड टू द बारबेरिज्म, टू शोकेस हिज नॉलेज और टू प्रिवेंट द यूज ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स। ये आप देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट को उन्होंने कब बताया, ये सेंटेंस में आपको सर्च करना है और क्या इंटेंशन से बताया ये आपको यहाँ पे पता लगेगा। ये देखिए, ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, लाइंग डाउन ही वॉज थिंकिंग हाउ ही हैड ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द देन अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्टिव पावर्स ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब। ही हैड थॉट दैट दिस वुड बी यूज्ड टू स्कॉच हिटलर एंड पुट एन एंड टू द बार्बिज्म। आपका बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बताइए टाइटल ऑफ द पैसेज, वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, डेथ इन हिरोशिमा, आइंस्टाइन एंड हिज बॉयलिंग एटम बॉम्ब्स। सो इसमें आई थिंक हमारा हो जाएगा आइंस्टाइन एंड हिज बॉयलिंग, नहीं वॉर एंड डिस्ट्रक्शन इसका हमारा पैसेज की जो थीम टाइटल रहेगा वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, क्योंकि बहुत सारी वॉर और डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई थी। तो ये आपको जब पैसेज रीड अच्छे से आप कर लेंगे, जल्दी से आपको जल्दी रीड करना है पैसेज, कोशिश करना है जल्दी से गो थ्रू हो जाए, हैबिट यही बनानी है कि आप पैसेज को थोड़ा जल्दी अंडरस्टैंड कर पाए। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डिड द एटॉमिक थ्रेट ट्रांसफॉर्म आइंस्टाइन्स हार्ट। जो एटॉमिक थ्रेट था एक तरह से परमाणिक थ्रेट, उसको आइंस्टाइन के हार्ट ने कैसे बदल दिया था ये बताइए। ही बिकेम मोर एग्रेसिव और वायलेंट, ही बिकेम मोर इंडिफरेंट टू द सफरिंग्स ऑफ अदर्स, ही बिकेम मोर सपोर्टिव, बताइए यहाँ पे क्या होगा। ये आप देख सकते हैं लास्ट में, कीप ऑन थिंकिंग, आइंस्टाइन केप्ट ऑन थिंकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट्स, सो इसमें आपका हो जाएगा आई थिंक अब। तो देखिए लास्ट लाइन पढ़ के आप यहां से आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ये देखिए यहाँ पे, इवेंचुअली ही हैड अब्यूज्ड आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ये रूजवेल्ट की बात हो रही है, प्रेसिडेंट ने उनकी जो ये इक्वेशन बनाई थी उसको गलत साबित किया होगा आई थिंक। दैट रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट्स, हिज एक्शंस हैड मेड साइंस एंड साइंटिस्ट एज मर्डरर्स। आइंस्टाइन केप्ट ऑन थिंकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इवेंचुअली ही स्लिप्ड इन टू स्लीप। When he woke up at dawn, there was a new dawn in him too. The atomic threat has transformed his heart. वो अपना आंसर हो जाएगा इसमें। He became more determined to stop the use of atomic bombs. ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही बिकेम मोर डिटरमाइंड टू स्टॉप द यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन वाज कंडक्टेड टू एनस्लेव PT-7। ये नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट हो गया है, काफी पैसेज इसमें दिए हुए हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन वाज कंडक्टेड टू एनस्लेव PT-7। ए रॉक टस्कर दैट कॉज टेरर एट धोनी इन पलक्कड़ वॉज कैप्चर्ड एंड कन्फाइंड इन ए करार। ए 72 मेंबर टीम लेड बाई चीफ फॉरेस्ट वेटरनरी फिश एनस्लेव्ड द वाइल्ड बीस्ट कंडेम्ड
डैम्ड, कंडेनेम्ड, कंडेम्ड है ये। PT7 पलक्कड़, तो उसका 7 इन टेस्ट बुक ऑपरेशन, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा टेस्ट बुक ऑपरेशन में। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंडेनेम, कोड नेम, सॉरी सॉरी सॉरी, कोड नेम्ड गिवन टू द एलिफेंट दैट वॉज कोट, जो एलिफेंट जो कि पकड़ा गया था उसका कोड नेम क्या था? PT7 तुष्कर, ये पलक्कड़ तुष्कर। नेक्स्ट है हमारा, ये आप देख पा रहे हैं यहीं पे है नाम, फर्स्ट पैसेज में ही। व्हाट इज द रीजन गिवन फॉर स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द एलिफेंट कोट? सो आप बताइए, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द एलिफेंट कोट, उसको क्या रीजन क्या था उसका? अच्छी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं इस थर्ड पैसेज में जो है आपका आंसर है यहाँ पे। द एनिमल्स आई वॉज कवर्ड विद ए ब्लैक धोती टू अवॉइड इट्स कॉन्टेक्ट विद द कुमकिस, एंड वाटर वॉज स्प्रिंकल्ड ऑन इट्स हेड एट रेगुलर इंटरवल्स टू प्रिवेंट एनी रिएक्शन अंडर द सिवियर हीट ऑफ धोनी रीजन। तो आप देख पा रहे हैं, और हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का। आई देख लेते हैं जल्दी से। व्हाट वाज ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कराल? सो आई थिंक आपका हो जाएगा, कराल मेकिंग पर्पस के लिए क्या यूज किया गया था, बताइए जल्दी से। क्राल हमने पढ़ा था नीचे, आई थिंक ये देखिए यहाँ पे, क्राल बट द शॉर्टेज ओपियप फ्लेवर, ये ओपियप पर भी फ्लोरा यूज किया था, लेकिन उसकी जो है शॉर्टेज के कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू चूज यूकलिप्टस, इसकी शॉर्टेज के कारण जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको यूकलिप्टस का यूज करना पड़ा था। तो इसने पूछा है कि ट्रेडिशनली उन्होंने क्या यूज किया था, ओपिया पर लिख रहा है ये। सो आज का सेशन हमारा यहाँ पे होता है समाप्त इंग्लिश का, और नेक्स्ट सेशन में आपको मैं जीएस भी और मैथ्स रीजनिंग भी हम डेली बेसिस पे करते रहेंगे। सो आई थिंक ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे इसमें जो है लेवल था, पैसेज भी काफ़ी अच्छे लेवल के थे। सो आज का सेशन हमारा हम करते हैं यहीं पे समाप्त, और इसके अलावा जो है अगर आपको हमारी वीडियो जो है सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर और बेल आइकन जरूर दबा लें, सो दैट हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लें, और बने रहें हमारे साथ। और हमारा टारगेट रहेगा आपको मेंस में और किसी भी एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट में जो है टॉप स्कोर कराने का। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में,
और अच्छे बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।